हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बीटी टोबैको वाज फर्स्ट कल्चर टू किल। सबसे पहले बीटी टोबैको जो है उसको क्यों कल्चर किया गया था, किसको किल करने के लिए किया गया था। ऑप्शंस गिवन है हॉर्नबर्म, वॉलवर्म, स्टेम्बोरर एंड टोबैको बडवर्म। तो देखिए, सबसे पहले बीटी जो जीन है, बीटी टॉक्सिन जो है, ये बीटी टॉक्सिन जो है किस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, या किस बैक्टीरिया का जीन जो है बीटी जीन। एक्चुअल में बीटी जीन नहीं होता, क्राइजीन होता है। ये क्राइजीन किससे ऑब्टेन होता है, हमें एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस थुरिन जेनेसिस, बेसिलस थुरिन जेनेसिस जो है उससे प्राप्त होता है। और ये क्राइजीन जो है ये क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, और ये क्रिस्टल प्रोटीन जो है ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होती है। और जैसे ही यहाँ पर जो है ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में, एंड जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम करता है तो ये वहां पर जो है टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ऐसे स्पेसिफिक पीएच पर होती है। एंड प्रोटियोलाइटिक जो है एंजाइम वहां पर होने चाहिए, तो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज भी होना चाहिए। तो ऐसा जो है मीडियम यहाँ पर इंसेक्ट जो होते हैं उनकी गट में अवेलेबल हो पाता है। तो इंसेक्ट जब इस प्रोटॉक्सिन को कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट का कोई पार्ट कंज्यूम करके, तो ये टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उनकी गट जो है उसकी एपिथेलियल सेल्स डैमेज होने लगती है और इंसेक्ट हो जाती है डेथ। तो बीटी टोबेको जो है, टोबेको में जो बीटी जीन का कंसेप्ट लाया गया था वो वहां पर एक हॉर्नबर्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया था। और इस हॉर्नबर्ट का जो नेम है साइंटिफिक लैंग्वेज में, इस हॉर्नबर्ट का जो नेम है वो है मेंडुका सेक्टा। ये जो है ये कौन सा हॉर्नबर्ट था, ये था मेंडुका सेक्टा। ये मेंडुका सेक्टा जो था इसको कंट्रोल करने के लिए टोबैको में बीटी जीन जो है इंसर्ट करवाया गया था। बीटी टोबैको जो है इसको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए में जो गिवन है हॉर्नवर्ड हॉर्नवर्म, और ये हॉर्नवर्म कौन सा था, ये हॉर्नवर्म था मेडुका सेक्टा। बॉलवर्म को कंट्रोल बीटी जीन के थ्रू कर रहे थे कॉटन में, स्टेम बोरर जो है उसको कॉर्न कॉर्न में यूज ले रहे थे मक्के में, और टोबैको बॉलवर्म जो है बडवर्म इसको कंट्रोल करने के लिए बीटी जीन का प्रयोग नहीं किया गया, तो हॉर्नबर्म को कंट्रोल करने के लिए किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑल द वेरी बेस्ट।